मैं आचार्य विनोद श्रीमाली आने वाले लोकसभा की भविष्यवाणी घर में जा रहा हूँ। कृपया मेरी भविष्यवाणी को आप लोग सच मानी। कुंडली योगी गाना अनुसार में निभाया ही कि अगर मोदी जी ही लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा रहते हैं तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा ही प्रधानमंत्री एक बार फिर से मोदी जी ही बनेंगे। में पहले आप सभी मित्र जनों को जय श्री कृष्ण और जय श्री राम बोलता हूँ। अब मैं अपनी बात को आप तक रखता हूँ। अब सुने चुनाव 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है मेरे द्वारा। यह जानकारी पीएम मोदी और बीजेपी की कुंडली को देखने के बाद दी है। दरअसल बीजेपी अपने कार्यकाल के सबसे खराब समय से गुजर रही है। बीजेपी पर बड़े आरोप लग रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार इस समय कमजोर लग रही है, जिसका फायदा विपक्ष उठा सकता है। ऐसे में आने वाले चुनाव में पार्टी को नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। मेरे द्वारा यह जानकारी दी कि 2019 लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बन सकती है और कौन उनके बल गिर सकता है। ऐसा मेरे द्वारा पीएम मोदी और पार्टी दोनों की कुंडली मिलाकर गणना करने के बाद बताया। कुंडली के अध्ययन के अनुसार बीजेपी की जन्म 6 अप्रैल 1980 में हुआ है। इसके तहत बीजेपी की कुंडली बनाई जाए तो मिथुन लग्न वृश्चिम राशि की कुंडली है। बीजेपी की कुंडली में अक्टूबर 2012 सेकंड सूर्य की महादशा आरंभ हुई है। सूर्य की महादशा में बीजेपी को लाभ होना शुरू हुआ। इसके बाद ही बीजेपी ने गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को पीएम पद का प्रत्याशी बनाया गया। उस समय पीएम मोदी की कुंडली में अच्छा समय था, जिसकी वजह से बीजेपी और पीएम मोदी की कुंडली दोनों के ग्रह योग के चलने के साथ ही पहली बार केंद्र में बहुमत की सरकार बनी। मेरे अनुसार सूर्य की महादशा 6 साल के लिए होती है, जिसके चलते बीजेपी ने कई राज्यों में चुनाव जीता। पर अब बीजेपी की कुंडली में अक्टूबर 2017 सेकंड सूर्य की महादशा में शुक्र की महादशा आ गई। इसका फल अच्छा नहीं होता है, इसी कारण बीजेपी का खराब समय शुरू हो गया है। बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। खास बात है कि यह समय 10 साल के लिए है, जिसकी वजह से बीजेपी को भविष्य में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यानी 2019 में बीजेपी के अच्छे दिन नहीं है। क्या कहती है पीएम मोदी की कुंडली? अब बात की जी रही है पीएम मोदी की कुंडली की। पीएम मोदी की कुंडली वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि की है। साथ ही पीएम मोदी की कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है, जो वर्ष 2021 तक चलेगी। पीएम मोदी की कुंडली में चंद्रमा की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। यह स्थिति 3 मार्च 2019 तक रहेगी। इसके ठीक बाद कुंडली में केतु का अंतर आएगा। पीएम मोदी के लिए केतु भाग्य बदलने वाला साबित हो सकता है। पीएम मोदी की कुंडली वृश्चिक लग्न की है और इस लग्न में केतु लाभकारी होता है। इसके अतिरिक्त वृश्चिक लग्न के लिए बृहस्पति पंचमेश में होता है। यह स्थिति बहुत अच्छी मानी गई है। तो बता दे कि मार्च की शुरुआत से ही पीएम मोदी का फिर से अच्छे दिन वाले हैं, यानी अच्छा समय शुरू हो जाएगा, जिसका फायदा पीएम मोदी को 2019 चुनाव में होगा और एक बार पीएम नरेंद्र मोदी के चलते बीजेपी को बहुमत या फिर सबसे अधिक सीट मिल सकती है। पीएम मोदी के कारण ही बीजेपी को लाभ होगा। तो यहाँ बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने का दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन ज्योतिषाचार्य ने इतनी भविष्यवाणी की है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और फिर से देश की सत्ता पीएम मोदी के हाथों में होगी।